ब्रास में बहुत कथे होते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सारे लोग आ चुके हैं और एक दो एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार लोग आकर आते हैं और भीड़ आसाराम बापू भीड़ इतनी होती है कि पूछिए नहीं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं कुछ नहीं। मैंने ये देखा है कि अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा तो मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा तीर्थ व्रत हैं, सबसे ज़्यादा प्रवचनकार हैं, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा उल्टा सीधा काम भी यही होता है। सही कर नहीं बहुत सही बोल रहे हैं। जैसे मंदिर में कहीं ढूंढती फिर हमारी हेली, अपन ने कल भजन गाया, उसमें हो सकता किसी को लगा कि यह तो मंदिर में मंदिर के खंडन कर रहे हैं, जबकि मंदिर का खंडन नहीं है, ये तो शुरुआत में अपने मन को एक जगह पर स्थिर लाने का जरिया है, एक स्थान है, मन को एक स्थिर करने का वो साधन है। और जब आपका मन स्थिर करने का हो गया तो तुम मंदिर में जाकर के बैठो, चाहे अपने घर बैठो, चाहे जंगल में जाकर के बैठो, चाहे और अपने कुटिया में जाकर के बैठो, या अपने यहाँ पर बैठो। हम यहाँ बैठे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे कि हम अपने मंदिर में बैठे हैं, परंतु अभी हमारी निगाह केवल यह है कि हम ट्रेन में बैठे हैं। This is one of the major neighborhoods of my life. I've lived, all these years, but, this compares in importance with any place I've ever lived in terms of time and experiences. These places are all. परिवार का पंचम है, वन ऑफ द बॉयज। आपको लिंडा जी याद है उस वक्त जब आप छोटे थे? अभी इनका नाम हमारे दरवाजे पे लिखा हुआ है, उस दरवाजे पे लिखा हुआ लिंडा है, 178 अस्सी घाट। किसने लिखा ये? आपका लिखा हुआ लगता है, ये मेरा मेरी लिपि है। आप उसको चेंज करवाइए, टेस्ट करवाइए तो मालूम हो जाएगा आपको, बहुत पुराना है। Psychologically, I wasn't fit to do the kind of guru bhakti that was the norm in the culture, and I wasn't fit for all the really overt personal God-centered bhakti. You know, all the talk about God as somebody just didn't suit me.
Anyway, so yes, Nirgun was suited to me. You hadn't at that point got involved with Zen Buddhism? Yes, I had. You had? Mm. The kind of Buddhism I was doing, you could say, is very Nirgun, meaning that it aims at an experience rather than an idea of the ultimate deity. And that experience, you'll chase it away if you describe it too much or name it. You wreck it if you think you know what it is. एक आप साकी कहते हैं ना अवघट अवघट घाट कबीर का हाँ, ये घाट बनाया है जैसे कि ये हिंदुओं का घाट है या मुसलमानों का या अच्छा, नीची जाति का या ऊंची जाति का ये घाट बने हैं अच्छा, और वहाँ पर पानी भरने का काम करते हैं या माने ज्ञान लेने का काम करते हैं या कुछ वस्तु हासिल करने का काम करते हैं वो घाट भाई जहाँ पर जैसे नदी के ऊपर घाट बना तो वो स्नान करने का और कुछ ऐसे घाट है जहाँ जैसे अभी इनकी दुकान है तो वो इनकी दुकान का घाट मतलब वो स्थान जहाँ पर से हमें वो चीज ऐसे घाट होते नहीं तो हम लोग के घाट होते हैं सिंधिया घाट है मणिकंदा घाट है राजघाट है वो तो मतलब बात वही बता रहे हैं सबके वो तो लाने का हो गया हां घाट हो गया बन वस्तु को लेने का भी तो घाट है घाट का मतलब होता है एक विशेष स्थान जहाँ वो मिलते हैं कपड़े धोते हैं धोबी है उनके अलग घाट है यहाँ जैसे कि ये दूसरी कह रहे हैं ऐसे उनके अलग अलग ऐसे घाट बने हुए हैं तो वो जो घाट है तो उन घाटे पानी सब भरे उन घाट के ऊपर सब भरते हैं पर अवघट अवघट भरे ना कोई ऐसा जहाँ पर इस तरह का कोई घाट नहीं है ऐसी जगहों पर पानी भरने वाले बहुत कम है यानी घाट के ऊपर भर करके तो आप सीमा में बन जाएंगे बनारसी साड़ी का घाट इनका है तो इसलिए आप वहाँ से बनारसी साड़ी लेंगे वहाँ से आप किसी दूसरी तरह की साड़ी आपको नहीं मिलेगी या वहाँ क्योंकि वहाँ पर उसकी प्राथमिकता है तो इस वजह से आप उस सीमा में बन गए जिससे आपकी साउथ की साड़ी है हम बनारस में आप आकर हम साउथ की दिखाएंगे तो आप नहीं लेंगे तो बनारसी साड़ी ही लेंगे इस तरह से जब तक इंसान उन घाटों पर बंधा रहेगा क्योंकि हद केवल जाति धर्म संप्रदाय की मजहमत की ही नहीं होती ज्ञान की गाने बजाने की और विषय वासना की स्त्री पुरुष की ये भी हद है मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ तो मैं गाने की हद में बंधा बहुत सारा कहता कि मैं बहुत सारा जानकार हूँ या मैं बहुत विद्वान हूँ तो वो उसकी हद में बंधा जबकि सहजता की स्थिति के लिए जितनी भी हद हैं ये सब समाप्त होना चाहिए इनसे छूटने का उपाय आदमी स्वयं करेगा तो होगा जैसे कैमरों को आपने पकड़ रखा है कैमरे ने आपको नहीं पकड़ा तो इस तरह से कैमरे ने कहा कि आप मुझे पकड़ो आपने पकड़ रखा है तो आप उससे बंधे हुए हैं इस तरह की जिस किस्म की भी आसक्तियां हैं वो हमने बांध रखी है ए जी हृदय माही आरसी और मुख देखा नहीं जा मुख तो तब ही देखिए जब दिल की दुविधा जाए एज हृदय माही आरसी जीरे रे 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 जीरे और मुख देखा नहीं जा See, Kabir was against lying, and you could say that Kabir was just teaching honesty. Let's just be kind of
really unpretentious in the language we use. But what does honesty mean? We lie to each other and we lie to ourselves. Why? Lots of good reasons. We lie to each other because of our greed for this and that. We want this, we want that, we don't want things to be a certain way. So we lie to make things, to manipulate things. We lie to ourselves because we have to keep up the structure of our ego, our whole personality, our whole sanskars, so we have to kid ourselves, we have to lie to ourselves about things everywhere. Like what? I'm a good person. I'm a devout person. I understand the divine is in everything. I'm honest. I'm nice. I'm never going to die. That's, of course, what it comes right down to. And so, therefore, I thought it was quite apt that we're arriving in Manikarnika Ghat. Excuse me for laughing. But, we just arrive at this part of the conversation as we come within the scent of the fires of the burning god, the famous burning god of Benares. You know, we shouldn't bear down too much on that. We just happen to be arriving. But, our fear, our biggest fear is death. And that's the kind of fundamental basis for our lying to ourselves. मरगट तक सब मित्र संगाती और हम अकेला जाते अब थारो कई पाती यारो रे परदेसी तेरे दूरा देसी तेरे मायला ढसी गई भीते पढ़ने लागी काटी तेरे थारी टाटी में थारी टाटी में मिली गई माटी रे परदेसी Kabir says, face it. You're a liar and a violent person. You're mean. You're pretentious. Face it. The things that you think are noble are just forms of self-aggrandizement. Face it. You don't mind hurting other people for your own benefit. And at bottom, I think, though I rarely get to the place where I'm really contemplating this seriously, we're just trying to not face death. Maila uthi chalyo baniyo suniya thari hatdi ere ha तो तालो दे गया ने कूची ले गया दे परदेसी तेरे
Somebody the other day said, don't you find Kabir depressing? He's always talking about death. I told her, you know, his approach to death is very joyous. But why is that? The joy of it is that you're expressing your complete freedom from fear. Your freedom. There's no fear. I haven't achieved that. No way. But I hear it, you know. Just, and I also hear that until you have faced death and just are no longer denying it and your mind isn't working overtime to hide this reality from you, then you're free. Then you can sing. So in a sense, I think Kabir's songs of death are really about life. Yeah, that's my take. So it's all here, you know, samsara and nirvana and life and death. So that's what one of the great things about this place is, you see it. It's not hidden. The dogs. And people sitting right next to it taking their morning bath and brushing their teeth. काम खत्म और क्या ओ भाई ने पानी झट अंदर से डाली नहीं ऊपर क्यों ओढ़ ही लियो पानी डाल लो अपने भी पवित्र हो जाओ अच्छा कौन पवित्र करिया कहीं हाँ पवित्र कर दे सबको पवित्र कर मेरे कैमरा को पवित्र मत करो आपके कैमरे को पवित्र नहीं करें फिर मिलेंगे आशा मिलते रहते हैं सालों तक I had the shit factories. Shit factories? You have a shit place? Yes, I had the shit factories. Oh, and fantastic. So many kind of shit. You're a comedian. Yeah, I have this nice, some shit shirt, some shit dress, some shit silk. Oh. And many crepe quality shit. If you like, you can test it, the shit. You can try the shit. Fantastic. I give you the price. It's really bullshit. Yeah? You should be in an advertising agency. Yeah, where are you from? I'm from America. Are you Santa Cruz shit or are you Berkeley shit? I'm Berkeley shit. Berkeley shit is quite different from Santa Cruz. I heard about from Berkeley shit. It's quite, you know, the people, they don't like it because that is very old shit they have. And that is like... You know, somebody from Santa Cruz has been telling you this shit. This is our Any plan. More questions? No. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.